नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास प्रस्तुति डॉक्टर्स कॉलिंग में। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। डॉक्टर कॉलिंग में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों और समाधान की ओर, और आज हम बात करेंगे महिलाओं में 40 की उम्र के बाद होने वाली असामान्य रक्तस्राव की। जी हाँ, महिलाओं को उनकी किशोर अवस्था से ही पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, मेंसेस शुरू हो जाते हैं और महिलाओं के जीवन का हिस्सा सा बन जाते हैं, लेकिन अधिकतर महिलाएं पीरियड्स की नियमितता और प्रवृत्ति को लेकर के सजग नहीं रहती हैं। महिलाओं को असामान्य रक्तस्राव होना एक ऐसी स्थिति है जो लगभग हर महिला को उसके जीवन के किसी न किसी बिंदु पर प्रभावित करती है, लेकिन ज्यादातर महिलाएं इन्हें सामान्य मान करके इग्नोर कर देती हैं, लेकिन ये सामान्य नहीं होती हैं, असामान्य होती हैं। तो हमारे साथ श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साधना मौजूद है। साधना सिंगल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो ब्लीडिंग प्रॉब्लम को लेकर के जो है इतना क्योर नहीं कर पाती हैं और कहीं ना कहीं इग्नोर करती हैं, तो क्या ये इग्नोरेबल प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। नहीं, देखिए 40 साल की उम्र के आसपास बहुत सारी फीमेल्स को, बहुत सारी महिलाओं को असामान्य रक्तस्राव होता रहता है जी। वो आपस में फ्रेंड से बात करती हैं, सोचते हैं कि नहीं, जैसे उनके फ्रेंड्स उनको बोल देते हैं कि ये वाली जब आपको मेनोपॉज आने वाला है, आपके पीरियड बंद होने वाली है, आपकी महावारी बंद होने वाली है, तो आपको ये नॉर्मल है। असामान्य रक्तस्राव हम किसको कहते हैं कि या तो आपको पीरियड नॉर्मल आते हैं जी, कि पीरियड आपके नॉर्मल चलते रहेंगे, डेट से आपको नॉर्मल रहेंगे आपकी, पर अगर आप 4-5 दिन पहले ब्लीड करते थे, आप ज़्यादा लंबे टाइम के लिए ब्लीड करने लगे हैं, ब्लीडिंग आपको ज़्यादा लंबे टाइम का होती है, 7 दिन से ज़्यादा होती है ब्लीडिंग जी, या फिर आपको उस पीरियड का ड्यूरेशन उतना ही रहता है कि 4-5 दिन ही आपको ब्लीडिंग होती है, पर उसमें आपको ब्लीडिंग एक्सेस में होने लगती है जी। अगर आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे तो इसको हम असामान्य रक्तस्राव कहते हैं कि ये वाला, इसको इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल मेनोपॉज जब आता है, नॉर्मल महावारी खत्म हो जब होती है, तो उसके लक्षण होते हैं कि या तो आपको पीरियड थोड़े इरेगुलर शुरू हो जाते हैं कि पीरियड का गैप बढ़ जाता है जी, और ब्लड फ्लो कम हो जाता है जी। तो ये तो हमारे नॉर्मल लक्षण है कि नॉर्मल मेनोपॉज आ रहा है, पर जब भी कभी ये नॉर्मल नहीं होता है जी, तब इसमें या तो आप ज़्यादा ब्लीडिंग को फेस करेंगे, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग मिलती है, क्लॉट्स निकलते हैं, थक्के निकलने लगते हैं खून के, ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगती है, लंबे टाइम तक होने लगती है जी। तो इस कंडीशन को डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए जी। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं जी। जो भी पेशेंट को अगर हम इन्वेस्टिगेट कराते हैं तो रसौली हो सकती है, फाइब्रॉइड जिनको बोलते हैं, है ना, हिंदी में उनको रसौली कहते हैं, पेशेंट को रसौली हो सकती है। एक चीज़ होती है एडिनोमाइसिस, एक रसौली जैसी कंडीशन है, बहुत सारे लोगों में पाई जाती है ये भी, कि यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है जी धीरे धीरे यूट्रस की, तो यूट्रस की जो ब्लीडिंग सरफेस है, जहाँ से जो झिल्ली है, उसका साइज भी बड़ा हो जाता है, और इसमें पीरियड पेनफुल भी हो जाते हैं जी, है ना, पेशेंट दर्द भी महसूस करते हैं जी। फिर हमारे इन्फेक्शंस अगर किसी को रहते हैं, इन्फेक्शंस में भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जी। जैसे जैसे वेट बढ़ता है, अगर आप जैसे बड़े हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का वेट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ओबेसिटी भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ओबेसिटी आपको हार्मोनल इम्बैलेंस देती है जी। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड आजकल इतना कॉमन हो गया है कि एवरी सेकेंड वुमेन फेसेस थायराइड, तो थायराइड में भी आपको ज्यादा ब्लीडिंग आ सकती है जी। ट्यूबरकुलोसिस इंडिया में बहुत कॉमन है, टीबी की बीमारी जी। टीबी की अर्ली स्टेज में आपको, जब टीबी आपको शुरुआती टीबी हुई है, उसमें आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। बाद में अगर टीबी एडवांस हो जाती है, तो उसमें आपको कम ब्लीडिंग होने लगती है जी। तो दीज आर द जैसे मोस्ट कॉमन कारण जी। और कभी कभी पेशेंट की प्रेगनेंसी भी मिस आउट नहीं होनी चाहिए जी। कुछ केसेस में प्रेगनेंसी का होता है कि पेशेंट को पीरियड रुकी है थोड़े दिन के लिए, चाहे वो 40 की है, 45 की है, जब तक आपको महामारी बंद नहीं हुई है, प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं जी। तो पेशेंट अबॉर्ट भी कर रही होती है, उस अबॉर्शन के कारण ज़्यादा ब्लीडिंग होती है जी। तो प्रेगनेंसी भी हमेशा रूल आउट कर लेनी चाहिए कि हम प्रेग्नेंट तो नहीं है, उस कारण से तो ब्लीडिंग नहीं हो रही है जी। कभी कभी किसी किसी ने रिसेंटली कॉपर्टी लगवाई होती है फैमिली प्लानिंग के लिए जी, तो उस कॉपर्टी के साथ भी आपको पहले कुछ महीने ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जी। कुछ लोग आजकल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन आ गया है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन लेते रहते हैं, जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन जी, वंस इन द लाइफ टाइम, जैसे वंस या ट्वाइस या थ्राइस इन द लाइफ टाइम आप ले सकते हो, पर कुछ लोग महीने में ही दो तीन बार ले लेते हैं,
तो ये पेशेंट भी कभी कभी इनको भी असामान्य रक्तस्राव हो सकता है जी, और ऐसी सब चीज़ों के लिए डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए जी। मैम, अक्सर देखा गया है कि 35 से 40 या फिर 45 यूं कहें कि इस एज में महिलाओं में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, तो क्या असामान्य रक्तस्राव होना ये कैंसर का भी सिम्टम हो सकता है? 100% असामान्य रक्तस्राव यूजुअली 40 से कम की उम्र पे आपको बहुत कम देखने को मिलता है जी, कि कैंसर, वेरी फ्यू केसेस, बहुत ही कम केसेस में कैंसर हो सकता है। पर 40 के बाद अगर आपकी पेशेंट आपके कोई भी पेशेंट आपके पास आता है कि उसको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, इरेगुलर होती है, बीच में महीनों के दोनों के बीच में ब्लीडिंग हो जाती है, या जब महीना आता है तो लंबे टाइम तक ब्लीडिंग चलती है, ये सब जब आते हैं तो इसमें 40 के ऊपर आपके जो 3-4 मेन कारण है, या तो फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, या एडिनोमाइसिस हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस जिसमें आपको कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती, इवन अल्ट्रासाउंड भी कराते हो तब भी कोई पैथोलॉजी नहीं मिलती, तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा आ सकती है, और कैंसर जी। जब भी कभी पेशेंट आता है तो कैंसर के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं, एंडोमेट्रियल बायोप्सी जी। 40 के ऊपर किसी भी पेशेंट को बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट नहीं कंटिन्यू करना चाहिए जी। कभी कभी पेशेंट जिद करते हैं, मैम ऐसे ही कुछ दे दो, हमारी ब्लीडिंग रुक जाएगी, तब हमने यही समझाते हैं कि बायोप्सी करके एक तो आपको हार्मोनल चेंजेस पता चल जाते हैं जी, क्या हार्मोनल चेंजेस हैं, और कैंसर रूल आउट हो जाता है जी, तो कैंसर के साथ नहीं बैठे रहेंगे। तो 40 के उम्र के बाद हमेशा अपनी बायोप्सी भी जरूर करानी चाहिए, ताकि कैंसर का भी आइडिया रहे कि कैंसर नहीं है, हम कैंसर से पीड़ित नहीं है जी। इस वजह से जो है उसको रूल आउट कर लेना बहुत जरूरी है, रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी जी। है जी। मैम, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं ब्लीडिंग के? सबसे बड़ी बात ये है कि महिलाओं को पता ही नहीं होता कि जो एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है उसके पीछे रीजंस क्या क्या मेनली हो सकते हैं। हाँ नहीं, अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रीजन में हमारे, अगर आपको पीरियड मिस के साथ हैवी ब्लीडिंग होती है, कि आपने कोई पीरियड बीच में आपका चढ़ गया है जी, और उसके बाद आपको ब्लीडिंग आ रही है, तो सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी रूल आउट करनी चाहिए है? हम फाइब्रॉइड हो सकते हैं, एडिनोमायसिस हो सकती है, हार्मोनल कभी कभी पेशेंट्स अपने आप से कुछ कुछ हार्मोन ले लेते हैं केमिस्ट शॉप से जाके जी, वो हार्मोन का इरेगुलर लेना भी ब्लीडिंग को बढ़ा सकता है हार्मोन। और जित DU भी एक होती है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जी, है ना, इसमें भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है जी, और कैंसर्स हो सकते हैं जी। जनरल डिजीजेज में थायराइड सबसे कॉमन है जी, जो आपको ज़्यादा ब्लीडिंग दे सकता है जी। मैम, थायराइड का इशू जो है, थायराइड के इशू की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं? बिल्कुल, जब आप स्पेशली इन हाइपोथायराइड, जब आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही होती है जी, जो कि मोस्ट कॉमन है जैसे अमंग पॉपुलेशन, हाइपोथायराइडिज्म जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड कम काम कर रही होती है वो ज़्यादा कॉमन है जी। तो हाइपोथायराइड जब आप होते हो उसमें भी आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जैसे ही आपका थायराइड कंट्रोल होने लगता है आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल होने लगती है जी। तो इट इज़ वन ऑफ द ये भी एक कारण। मैम, हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ी हैं, पूनम नाम है उनका। पूनम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, सवाल पूछिए अपना, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। मैम, मेरी मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब इसके क्या कारण हो रहे हैं जो उनको ऐसा सब हो रहा है? आपकी मम्मी की एज कितनी है बेटा? 45 हाँ, और ब्लीडिंग उन्हें महीने पे आती है या बीच बीच में? जैसे मैम जल्दी जल्दी हो जाता है, मतलब 10 दिन के बाद ही। 10 दिन के बाद ही? हाँ जी मैम। हाँ देखो, मोस्ट कॉमन इस एज पे अगर वो 45 के हैं तो हार्मोनल इम्बेलेंस बहुत जैसे बहुत कॉमन होता है। आपने उनका अल्ट्रासाउंड कराया है? हाँ जी मैम, करवाया तो है, लेकिन ऐसा कुछ बताते नहीं है वो। नहीं, अल्ट्रासाउंड में उन्होंने कुछ नहीं बोला कि कुछ भी आया है? नहीं मैम, ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया। झिल्ली की मोटाई तक भी नहीं बताई है कि झिल्ली जो यूट्रस के अंदर झिल्ली होती है कि वो झिल्ली कितनी मोटी है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है मैम, मेरे को लगा कि भाई कॉल करके एक बार आपसे पता करती हूँ। अच्छा देखो, नहीं अगर अल्ट्रासाउंड में कोई रसोली नहीं आई है, आपको कुछ बताया नहीं गया है, तो नहीं, आप नहीं आप अल्ट्रासाउंड वाले से जरूर बोलें कि एक बार झिल्ली की मोटाई, जो झिल्ली होती है, परत होती है यूट्रस की अंदर की लाइनिंग कि उसकी मोटाई वो आपको जरूर से बताएं कि उसकी थिकनेस कितनी है। वो थिकनेस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी आ सकती है और कैंसर की वजह से भी आ सकती है। तो आप डॉक्टर को जाके कंसल्ट जरूर करें और अपनी मम्मी की एक बायोप्सी जरूर कराएं, है ना। बायोप्सी से दोनों चीज़ें पता चल जाती हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं तो 4-6 महीने के लिए हार्मोन दे के परेशानी ठीक हो सकती है, हैं? अगर कहीं कोई और दिक्कत है तो उसी हिसाब से इलाज करा जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। जी जी, ओके। तो मैम, पूनम हमारे साथ में जुड़ी, बायोप्सी का जिक्र आप कर रही थी मैम, तो बायोप्सी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि क्या है, कितनी इम्पोर्टेंट है और महिलाओं को क्यों करवाते रहना चाहिए? देखिए, 40 साल के ऊपर
अगर किसी को यंग एज में ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो रही है, रक्तस्राव ज़्यादा हो रहा है, जिसे मैं 30 से 40 के बीच बोलूँगी, उसमें एक बार आप बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट ले सकते हैं, पर 40 के ऊपर आप लोगों को भी इतना सजग रहना चाहिए कि बायोप्सी के बिना ट्रीटमेंट नहीं लें। बायोप्सी करानी ही करानी है। बायोप्सी आजकल हम लोग ओपीडी बेसिस पे कर लेते हैं, एक पतली सी प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, और नेगेटिव सेक्शन के थ्रू हम एक थोड़ा सा टिश्यू ले आते हैं जांच के लिए जी। उस टिश्यू को जांच के लिए भेज देते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है किस तरह का हार्मोनल इम्बेलेंस है, आपको क्या दवा सूट करेंगे, आपको क्या दवा देनी चाहिए, और कैंसर हमारे रूल आउट हो जाते हैं जी। अगर हार्मोनल इम्बेलेंस है, 4 से 6 महीने की यूजुअली फिर हम हार्मोन्स देते हैं पेशेंट को, 4 से 6 महीने के बाद फिर ऑब्जर्व करके देखते हैं, अगर दोबारा ब्लीडिंग आती है या कोई कुछ दोबारा परेशानी होती है तो यूट्रस रिमूवल के बारे में भी सोचते हैं कि बच्चेदानी को निकाल दिया जाए, और अगर बहुत सारे पेशेंट 4 से 6 महीने पर ठीक हो जाते हैं जी, 4 से 6 महीने का पीरियड होता है उसमें ठीक हो जाते हैं। मैम दवा क्या लेना चाहिए, या फिर यूं कहें कि क्या कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हैवीली ब्रीडिंग से बचने के लिए कारगर होंगे? प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर अपना लाइफ स्टाइल अच्छे रखते हो तो आपको ओबेसिटी नहीं आती है, वेट गेन नहीं करते हो, वेट रिड्यूस करना, वेट रिडक्शन अपने आप में हेल्प कर सकता है अगर आप ओवरवेट हैं जी। क्योंकि जब आप वेट गेन करते हो या ओबेसिटी आती है, एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन जी, वो बॉडी में हमारी निकलता है, और एस्ट्रोजन ही हमारी लाइनिंग को बढ़ाता है जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है जी। जब हमारी यूट्रस की लाइनिंग मोटी हो जाती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, उसी से आपको ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू होती है जी। तो इनडायरेक्टली आपको, अगर आप ओवरवेट या ओबीज हैं तो वेट रिडक्शन हेल्प कर सकता है, लाइफ स्टाइल अच्छा, एक्सरसाइज करें, वैसे भी 40 के बाद में हर महिला को अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, जंक कम खाना चाहिए, जंक में मेरे लिए है जैसे आप चीनी शुगर ये सारी चीज़ें कम, मीठी चीज़ें कम खाएंगे और थोड़ा घी कम खाएंगे जी, और वॉक या तो वॉक कर सकते हैं तो वॉक करें डेली, आपको सैर के लिए जाना चाहिए जी, कोई भी एक्सरसाइज, योगा करना है योगा करें, किस जिम करना है जिम करें, किसी भी तरह की एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में ले आनी चाहिए जी, तो आप काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें सामान्य रहती हैं। सामान्य रहती हैं। कई बार ऐसा होता है मैम कि महिलाएं जो है 40 की उम्र जब उनकी आ जाती है, 40 क्रॉस कर जाती हैं, तो वो ध्यान नहीं देती हैं अपना, ऐसे सोचते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी कट गई, अब क्या करना है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, तो उनकी उनके लिए आपकी तरफ से सख्त हिदायत है कि अपना ख्याल रखिए और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंजेस ले आइए। फैमिली भी इम्पॉर्टेंट होती है, पर हम अपने लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो हम फैमिली का ध्यान कैसे रखेंगे जी। रक्तस्राव से सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट यही सोच के कि नहीं ये तो नॉर्मल है, जबकि वो एबनॉर्मल रक्तस्राव चल रहा होता है उनको, असामान्य रक्तस्राव चल रहा होता है, पर वो ये सोच के कि नॉर्मल है, बैठे रहते हैं, उससे उन्हें एनीमिया हो जाता है जी, ब्लड खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जी। खून की कमी हो जाती है तो उनकी एनर्जी कम रहती है, चिड़चिड़ापन आता है, घर का माहौल भी थोड़ा अजीब हो जाता है, तो हर महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए और टाइम से ही कंसल्ट करने चले जाना चाहिए। मैम हमारे साथ में अनु जुड़ी हैं, कॉलर हैं। अनु बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। मैम आपने जो ये भी कारण मतलब कारण बताए हैं इसके रक्तचाप होने के, हाँ जी, इसके मतलब फिर सॉल्यूशन क्या है कि भाई इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इसके लिए देखो घर पर बैठकर तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाना है, अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने हैं जिसमें मेनली हीमोग्लोबिन होता है, अपना थायराइड कराना है, अपना एक अल्ट्रासाउंड कराना है, अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग फिर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर और आप अगर 40 से ऊपर हैं, रक्तस्राव आपको होता है कि असामान्य रक्तस्राव आपको हो रहा है, तो बायोप्सी भी डॉक्टर आपको बोलेंगे और आपको बायोप्सी करानी चाहिए, देन बायोप्सी के बाद आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है जी। मैम हमारे साथ में छवि जुड़ी हैं, कॉलर हैं। छवि बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर, सवाल पूछिए आप अपना। हाँ बोल मैम, मेरे बायोप्सी हो चुके हैं जी। हाँ, और बायोप्सी के रिपोर्ट है ना जी, रिपोर्ट दिखाना, एक मिनट रिपोर्ट दिखाना मामा, मुझे रिपोर्ट दिखा। हाँ ये एक मिनट। हेलो हेलो जी, हाँ जी। छवि जी सुनाई दे रहा, बोलिए बोलिए। हाँ, बायोप्सी की रिपोर्ट में आया शो प्रोलिफरेटिव पैटर्न विदाउट एनी अदर अबनॉर्मलिटी। प्रोलिफरेटिव पैटर्न अगर आपका आया है, एक तो ये बायोप्सी के टाइमिंग्स इम्पोर्टेंट हैं कि पीरियड के किस टाइम पे आपकी बायोप्सी हुई है। अगर पीरियड के 1-2 दिन बाद हुई थी। हाँ, प्रोलिफरेटिव फिर बायोप्सी आपकी ठीक है। आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है? नॉर्मल
नॉर्मल ब्लीडिंग होती है, तो आपने बायोप्सी क्यों कराई थी? छवि जी साउंड कम कर दो ना। हाँ सुन पा रहे हैं आप मेरे को? छवि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। वॉल्यूम कर कर दीजिए, मेरे फोन में आवाज आ रही है, म्यूट कर उसको। हाँ हाँ बोलिए छवि जी, आपने फिर बायोप्सी कराई क्यों थी अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होती है? हेलो, चलिए हमारा संपर्क टूट गया है, फिर भी आप जो माकूल जवाब हो सकता है उनको दे दें ताकि उनको हेल्प मिल सके। नहीं छवि, अगर आपको नॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने बायोप्सी कराई क्यों थी, और अगर प्रोलीफेटिव बायोप्सी है, आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आप पहले 4-6 महीने के लिए हार्मोन्स ट्राई करेंगे, है ना, ओरल फॉर्म में, जैसे दवा आपको खानी है, 4-6 महीने दवा खा के देखिए, हो सकता है आपकी परेशानी सॉल्व हो जाए। जी परेशानी सॉल्व हो जाए। मैम हम बात कर रहे थे लगातार वजहों की, परहेज की, उपचार की बात कर रहे थे, अब हमने प्रिकॉशंस की तो बात कर ली कि वेट हमको अपना जो है कम कर लेना चाहिए, या फिर जो जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अपना ख्याल भी रखना चाहिए साथ में। अगर हम उपचार की बात करें तो क्या कुछ उपचार हो सकते हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए महिलाओं को? बिल्कुल, सबसे पहले जैसे उपचार हमारे डायग्नोसिस से शुरू होते हैं कि हमें अपना डायग्नोस करना चाहिए। मैम हमारे साथ में प्रियंका जुड़ी हुई हैं, सवाल हम आगे भी ले लेंगे। प्रियंका जुड़ी हैं हमारे साथ, कॉलर हैं। प्रियंका स्वागत है आपका जनता टीवी पर, सवाल पूछे। हेलो मैम, मैं प्रियंका बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि अभी आपने जो भी उपचार बताए थे उसमें कोई रिस्क तो नहीं है? अगर रिस्क है भी तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उपचार में कोई रिस्क? हाँ, जो भी आपने सॉल्यूशन बताया था उसके लिए। नहीं सॉल्यूशन तो अभी देखो नहीं, उपचार में कोई रिस्क नहीं होता है। आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अपनी डायग्नोसिस कराएंगे, डायग्नोसिस के बाद हमें देखना है कि देखो किसी को फाइब्रॉइड हो सकते हैं, किसी को पॉलिप हो सकते हैं, किसी को एडिनोमाइसिस हो सकती है। ट्रीटमेंट जो भी दिया जाता है बहुत ध्यान में रख के दिया जाता है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट को आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हो कि अगर किसी को फाइब्रॉइड है और ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बड़ा फाइब्रॉइड है तो यूट्रस निकाला जाता है फाइब्रॉइड के साथ, अगर आप एज आपकी 40 से ज़्यादा है। अगर आपको एडिनोमाइसिस है, यूट्रस का साइज़ बहुत बढ़ गया है, तो उसमें भी यूट्रस निकाला जाता है। अगर आपको सिंपल DUB है, जिसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग बोलते हैं, कि कोई कारण नहीं होता और आप फिर भी ब्लीड करते रहते हो, ये मोस्ट कॉमन हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जी। इसकी आप बायोप्सी लेके आप 4-6 महीने के लिए ट्रीटमेंट लेंगे, ओरल ट्रीटमेंट लेंगे। बहुत सारे पेशेंट 4-6 महीने के ओरल ट्रीटमेंट पर ही ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट जब फिर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं 4-6 महीने के बाद, उसके बाद भी अगर उनको नहीं ठीक होता है तो हम उन्हें भी यूट्रस रिमूवल का ऑप्शन दे सकते हैं। आजकल ये जो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ बार बार, कि हार्मोनल इम्बैलेंस सबसे कॉमन होता है लेडीज में, इसमें बायोप्सी की एक रिपोर्ट के बाद एक कॉपर्टी के तरह की एक चीज़ आती है जिसको मिरेना बोलते हैं। मिरेना को भी लगाया जा सकता है। ये एक हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस होती है जो आपके यूट्रस के अंदर डाल दी जाती है जी। इससे हार्मोन धीरे धीरे डेली कुछ मात्रा में निकलता रहता है और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जब आपको कोई फाइब्रॉइड नहीं है, कोई पॉलिप नहीं है, कोई रसोली नहीं है, किसी और तरह की कोई परेशानी नहीं है, ओवरी में कोई ट्यूमर नहीं है किसी भी तरह का। अगर सब कुछ अल्ट्रासाउंड नॉर्मल बताता है, बायोप्सी आपकी कैंसर नहीं बताती है, हार्मोनल इम्बैलेंस ही बताती है, तो आप मिरेना का भी सहारा ले सकते हैं, मिरेना भी लगा सकते हैं जी। और ये सब इनमें किसी में भी कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है जी। मैम बहुत सारी यूज़फुल जानकारी आपने जो है हमारे दर्शकों को दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए स्टूडियो में, और हमारी जो आधी आबादी है, आधी आबादी हमारी जो दर्शक है उनको जागरूक करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ है आपकी सेहत के लिए ज़रूरी और किस तरह रखिए अपनी सेहत का ख्याल, और मत बनिए अपने डॉक्टर। जब भी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर के दर आपके लिए खुले हुए हैं, उनके पास जाइए, उनसे इलाज करवाइए, अपने डॉक्टर खुद मत बनिए। स्वस्थ रहिए, बेहतर रहिए और बेहतर जीवन जिए। फिलहाल और भी हम समस्याओं के समाधान लेकर के आपके साथ में मौजूद रहेंगे, सामने आएंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।